अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी क्या होती है और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स, मुख्तलिफ इकसाम क्या होती हैं, उसकी मुख्तलिफ हालतें क्या होती हैं, ये हम आज के अपने लेक्चर में जो है वो देखेंगे। एनर्जी तो सबसे पहले आता है, एनर्जी क्या है? तो एनर्जी मेक चेंज पॉसिबल। एनर्जी क्या करती है? कोई भी चेंज जो है वो एनर्जी की वजह से पॉसिबल होता है। तो एनर्जी क्या करती है? एनर्जी मेक्स द चेंज पॉसिबल। हम इसको मुख्तलिफ अपने काम करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है, अब मैं ये कर सकती हूँ। तो दैट इज़ योर एनर्जी कि आप काम करने के काबिल हो सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इवन जो कार चल रही है रोड्स के ऊपर, उनके अंदर एनर्जी है। हम खाना पका रहे हैं, हम आइस फ्रीज कर रहे हैं, मतलब जो भी काम हम अपना कर रहे हैं, हर एक चीज़ के अंदर एनर्जी हमें चाहिए होती है। और एनर्जी सिर्फ कुव्वत, उस वाली फिज़िकल कुव्वत को ही नहीं कहते हैं कि आप किसी को खींच के मारो तो जी आपके अंदर एनर्जी आ गई है वगैरह वगैरह। हमारे अंदर हम काम कर पाना भी एक एनर्जी है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, साइंटिस्ट कैसे डिफ़ाइन करते हैं एनर्जी को, तो साइंटिस्ट हमें ये कहते हैं कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो सलाहियत है उसको आप क्या कहते हो? एनर्जी कहते हो। तो एक्चुअली में एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने के काबिल होना, काम करने की हिम्मत होना, एबिलिटी होना किसी के अंदर, उसको आप क्या बोल रहे हो? एनर्जी बोल रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की मुख्तलिफ हालतें हैं, मुख्तलिफ इकसाम हैं, जैसा कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, साउंड एनर्जी आ जाती है, टाइडल एनर्जी, वाटर एनर्जी, इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं एनर्जी की। लेकिन उसको हम मेन टू कैटेगरीज़ में कैटेगराइज करते हैं। वो टू मेन कैटेगरीज हमारे पास कौन सी हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि मेन कैटेगरीज आप बताओ, तो मेन कैटेगरीज आपके पास जो है वो एनर्जी की कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल किसे कहते हैं? पोटेंशियल मैं कहती हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं ये काम करके दिखा सकती हूँ। मतलब मैं वो काम कर नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, इतनी मेरे अंदर पावर मौजूद है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो उसको पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, एक ब्रिक है जो नीचे फ़िलहाल पड़ी है, लेकिन अगर मैं उसको उठा के अपने हाथ से ऊपर ले जाके किसी को मारूं, तो मुझे पता है इस ईंट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं जिसको मारूंगी ना, उसका सर पट जाना है या उसको कहीं ना कहीं जाके लग जानी है। तो ये उसका पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप किसको कहते हो? द पोटेंशियल एनर्जी आप कहते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी डैट इज़ स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। और उसको आप लिखते कैसे हो? पीई की फॉर्म में। इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीई, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब उन्होंने उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाए हुए, जैसे देखो एक रबर बैंड है वो पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि उसको अगर आप खींचोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसको स्ट्रेच करोगे तो वो खींचेगा, तो दैट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से आपको पता है आप एक स्टोन उठा रहे हो, एक हाइट पे लेके जा रहे हो ज़मीन से, आपने जब हाथ पे उठा लिया, अब जब किसी को मारोगे तो उसको लगेगा जाकर, तो दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड इन द स्टोन। इसी तरीके से एक ब्रिक है, जब तक वो ग्राउंड में पड़ी है कुछ नहीं कर रही है, जैसे किसी हाइट पे उसको लेके जाओगे, किसी पोजीशन पे उसको लेके जाओगे, तब उसके अंदर जो एनर्जी आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी इन द वाउंड अप वाउंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार। अब जैसे देखो, जो आप वाइंडिंग करते हो, जो हमारे पास कार्स होती हैं, टॉय कार्स होते हैं, हम उसकी चाबी घुमाते हैं, चाबियाँ घुमा घुमा के उसको चलाते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसी तरीके से कैटापुल्ट का, जो आप अगर रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, उस पर कोई पत्थर रखे, जब तक कैटापुल्ट वैसे ही पड़ा है उसमें कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे ही रबर को आप स्ट्रेच करके उसके अंदर स्टोन डाल के फेंकोगे, तब उसकी एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। तो ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास किस चीज़ की आती हैं? दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है? व्हाट इज़ एनर्जी, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक हम लोग ये तीन टॉपिक्स पे हम लोग ने अभी तक अपना लेक्चर जो है वो देख लिया है।